हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रीजन एनालिसिस स्टार्ट किए हुए थे और रीजन एनालिसिस का ये चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस, और उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। शुरुआती 9 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स किसी भी कोर्स से संबंधित इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोग देख रहे थे कि कोसी सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसी को मैं आगे आगे आज बढ़ाऊंगा। कोसी सीक्वेंस को थोड़ा सा और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए किसी भी सीक्वेंस को अगर हमको कोसी, हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो एप्सिलॉन वाले जो डेफिनेशन है इसको हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में ज्यादातर करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आज मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको दे दिया जाए, ठीक है ना, ये गिवन होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आपको बता दिया जाएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको क्या खोजना रहेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एम खोजना रहेगा। ठीक है ना, कि जो कि इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, जो कि इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए ए एन माइनस ए एम मॉड में लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, जैसे ए एन मतलब एनथ टर्म यहाँ पे लिख लिया, माइनस ए एम मतलब एमथ टर्म का डिफरेंस लिख दिया, वो हमेशा उसका मॉड हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं, आज हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा करने वाले हैं, पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए अगर आपको प्रूव करना है कि सो दैट ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था, एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, इसके बाद बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। सो दैट द सीक्वेंस 1/n इज अ कोसी सीक्वेंस, इज अ कोसी सीक्वेंस। ठीक है ना, ये हमको सपोज अगर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमको ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ 1/n, यहाँ पे ये एनथ टर्म लिखा हुआ था, 1/n का मतलब ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि लेट एन इज ग्रेटर देन एम, लेट एन इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, लेट एन इज वॉट ग्रेटर देन एम, मैं ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, मैं ये एन क्या कर रहा हूँ, एम से बड़ा लेके चल रहा हूँ। अब हम लोग ये जो मॉड में चीज है ना इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या मैं कैलकुलेट करना जा रहा हूँ, ए एन माइनस ए एम हम लोग निकालने जा रहे हैं। ए एन कितना हो जाएगा, 1/n, और माइनस ए एम कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर एन बड़ा है एम से तो रेसिप्रोकल कर दे तो 1/m 1/m से क्या होगा, छोटा होगा। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये भीतर जो नंबर, भीतर 1/n-1/m लिखा है, और आपको मालूम है कि मॉड जो है, मॉड से जो आउटपुट निकल के आता है वो पॉजिटिव आता है, मतलब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 1/m-1/n आएगा। ठीक है ना, 1/m-1/n आएगा, जैसे अगर मॉड में मान लीजिए कि -4 बन रहा है तो बाहर आंसर क्या आने वाला, माइनस ऑफ -4 आंसर आएगा, मतलब +4 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/n लेस देन 1/m है, इसका मतलब 1/n-1/m 0 से कम हो रहा था, मतलब निगेटिव बन रहा था, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/m-1/n आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो नंबर है ना, अब हम लोग ये जो हमारा नंबर है ये 1/m से छोटा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर में 1/m से में से कुछ हम लोग पॉजिटिव नंबर क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। 1/m में से अगर आप कुछ पॉजिटिव नंबर को, ये पॉजिटिव नंबर क्या कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, नीचे वाले नंबर से क्या है, कम है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली में देखिए इसका रूल क्या होता है कि हम जब ए एन माइनस ए एम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी हम लोग दिखाने वाले, ये सिर्फ इसमें सिर्फ एम होना चाहिए।
आपको जो है नियम के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा लेके आना है कि यहाँ पे सिर्फ एम का एक्सप्रेशन होना चाहिए, यहाँ से एन को गायब करना है, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे ये बताना है, ये हमें ये एम निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं कि ये हो गया मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन वन अपॉन एम, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, ये एप्सिलॉन से तब छोटा होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ जब वन माइनस वन बाई एम इज वॉट लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज एम इज वॉट ग्रेटर देन वन बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना? दैट इज एम इज ग्रेटर देन वन बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ये जो मैं मान लीजिए इसको मैं नंबर वन कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यम इज इक्वल टू कितना ले लूँ, यम वन बाई एप्सिलॉन से बड़ा ले लूँ, यम मैं अगर क्या ले लूँ, वन बाई एप्सिलॉन से बड़ा ले लूँ, तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, वन वाले को फिर से लिख रहा हूँ, ए एन माइनस ए एम लेस देन वन अपॉन एम, एम को हम लोग क्या ले रहे हैं, वन बाई एप्सिलॉन, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा ए एन माइनस ए एम लेस देन क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है? तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी ना। डेफिनेशन देखिए हमको क्या करना था, हमको ये करना था कि एक ऐसा एम हमको खोज लेना, देखिए हमने यम ऐसा खोज लिया, यम हमने खोज लिया डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना, सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये तो गिवन होगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम जो कि किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक है ना? ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक है? तो देखिए हमने एक इंटीजर एम मतलब यम हम क्या करेंगे, यम हम एक ऐसा नेचुरल नंबर लेंगे जो कि वन बाई एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना? अगर हम ऐसा लेंगे, ठीक है, अगर हमने ऐसा लिया तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, मतलब मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हर बार क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, हर बार क्वेश्चन में हम लोग मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम को कैलकुलेट करेंगे और एक ऐसी इनइक्वालिटी को स्टेब्लिश करेंगे जिसमें सिर्फ एम आता हो, ठीक है ना? और वहां से हम लोग यम की वैल्यू किसके टर्म में निकाल लेंगे, एप्सिलॉन के टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है? आप साइलेंट के टर्म में निकाल लेंगे, अगर निकाल पाएंगे तो हम कह देंगे कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन ऑफ साइलेंट हो रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये सीक्वेंस है वो कैसा है, कोसी सीक्वेंस है, ठीक है? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? जैसे मान लिया कि सीक्वेंस हमने ले लिया कि मॉड ऑफ ए एन, मॉड ऑफ ए एन, ठीक है, मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल टू हम लोग ले ले रहे हैं मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल टू सपोज माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर और डिवाइडेड, सॉरी माइनस वन की पावर, माइनस वन का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस वन की पावर एन ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है, माइनस वन की पावर एन अपॉन एन ले लेते हैं। अब हमें प्रूफ करना, ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना कि ये सिक्वेंस हमारा कैसा है, कोसी सिक्वेंस है, ठीक है ना? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेके चलते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ठीक है ना? एंड एंड एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन एम। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए एन माइनस ए एम, ठीक है ना, ए एन माइनस ए एम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, ए एन कितना है, माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, माइनस ए एम कितना है, माइनस वन की पावर एम अपॉन कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब देखिए एक इनइक्वालिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है, ठीक है ना? तो उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन की पावर एन अपॉन एन, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस वन की पावर एम और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, एम, ये सब मॉड में लिखा, ठीक है ना? अब देखिए माइनस वन की पावर एन मतलब क्या होगा, ये कभी प्लस वन आएगा, ये कभी माइनस वन आएगा, कभी प्लस वन आएगा, कभी माइनस वन आएगा, लेकिन बाहर मॉड लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू मतलब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको अगर मैं बाहर निकालूं मॉड से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, वन बाई एन, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, वन बाई एम आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, माइनस वन की पावर एन का मॉड ऐसे ले लिया जाए, ये अंदर एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो मॉड में कितना आएगा, माइनस वन, लेकिन मॉड के बाहर कितना आएगा, प्लस वन, फिर एन इज इक्वल टू टू रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा, उसका भी मॉड वन आएगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई एन प्लस वन बाई एम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब आप कह रखे हैं
एन क्या है ग्रेटर देन एम है, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दे तो 1/n लेस देन क्या है 1/m है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए 1/ हमें अब सिर्फ क्या करना है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लाना है, m का टर्म लाना है, मतलब मुझे n को गायब कर देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 1/n है अगर मैं इसको 1/m लिख दूं, और ये दूसरा वाला तो 1/m है ही, तो अब क्या होगा देखना है कि ये जो स्टेप आएगा, ये जो टर्म आया, ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, आपको आपको देखना है। देखिए अगर मैं ऊपर लिखा हुआ था 1/n और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/m, 1/m तो ज्यादा है ना, 1/m ज्यादा है, मतलब ये वाला जो टर्म है वो पीछे वाले से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा लेस देन लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा लेस देन लगाऊंगा, तो मैंने मतलब क्या दिखा दिया, मैंने ये दिखा दिया कि an माइनस am ठीक है लेस देन कितना हो गया 1/2m, ठीक है लेस देन कितना हो गया 1/2m। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यही इसी को हम लोग देखिए यहाँ पे अब हम आपसाइल में क्रिएट करने वाले हैं। हम लिखेंगे कि an माइनस am will be less than epsilon if and only if 1/2m ये क्या हो जाए छोटा हो जाए epsilon से, इसका मतलब यम हमारा जो क्या हो जाना चाहिए, यम शुड बी ग्रेटर देन, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यम शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2, यम शुड बी व्हाट ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2, मतलब यम मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ले लूं जो कि एप्सिलॉन बाय 2 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ठीक है एक ऐसा नेचुरल नंबर ले लूं, तो उसके बाद जो है ये वाले जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी इनइक्वालिटी, की मॉड ऑफ an माइनस मॉड ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो नंबर वन है इसी में मैं अगर यम के जहां पर क्या रख दूं एप्सिलॉन बाय 2 रख दूं, तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए एन माइनस ए एम लेस देन 1/2 और यम के जगह पे मैं क्या रख देता हूँ एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू यम के जगह पे कितना हो जाएगा, यम के जगह पे एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये यन यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जब 1/2m लेस देन एप्सिलॉन ने रेसिप्रोकल कर दिए तो कितना हो जाएगा 2m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2m, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ देखिए हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/m + 1/m ये कितना आ जाएगा 2/m आ जाएगा, ठीक है ना 2/m, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, 2/m आ जाएगा, ठीक है ना 2/m आ जाएगा। तो ए एन माइनस ए एम एप्सिलॉन से छोटा होगा कब, इफ एंड ओनली इफ 2/m इज व्हाट लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट इज रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा m बाई 2 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, मतलब m इज व्हाट ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। तो अगर मैं m एक ऐसा नेचुरल नंबर लूं कि 2/एप्सिलॉन से क्या हो बड़ा, एप्सिलॉन तो हमको गिवन होगा, तो अगर मैं नेचुरल नंबर m जो 2/एप्सिलॉन से अगर बड़ा लूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर से आप देखिए जरा ध्यान से, ए एन माइनस ए एम ठीक है ना, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम कह रहा है लेस देन 2/m, और एम की वैल्यू हमने कितना निकाला है 2/एप्सिलॉन, तो ये कितना हो जाएगा 2 × एप्सिलॉन बाय 2, 2 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा, तो निश्चित रूप से ए एन माइनस ए एम हमारा क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस हमारा है वो कैसा हो जाएगा, कोसी सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मुख्य बात क्या हो रही है, इसमें मुख्य बात ये हो रही है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा है, एन ग्रेटर देन एम हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, ए एन माइनस ए एम कैलकुलेट करेंगे और एक इनइक्वलिटी हमको लेके आना जो कि सिर्फ जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए एम होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पे एम का एक्सप्रेशन आएगा उसी को आपको क्या मान लेना है, आप साइलेंट मान लेना है, ठीक है ना। तो हर बार हम लोग ये पैटर्न लगाएंगे तो सिक्वेंस को हम लोग पता लगा पाएंगे कि कोई भी सिक्वेंस कोसी सिक्वेंस है या कोसी सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ, तो जितने ही एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि ए एन इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 1/n², ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/n², इस सीक्वेंस को हमको कोसी सीक्वेंस प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हमको गिवन होगा, एंड लेट एन इज ग्रेटर देन एम, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए एन माइनस ए एम, ठीक है,
कैलकुलेट करेंगे हम लोग एयर माइनस एम, तो एन कितना हो जाएगा 1/n² माइनस एम कितना हो जाएगा 1/m² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब एन ग्रेटर देन एम है तो इसका मतलब 1/n क्या होगा, लेस देन 1/m होगा। ठीक है ना, तो 1/n² लेस देन क्या होगा 1/m², क्योंकि एन और एम नेचुरल नंबर है इसलिए स्क्वायरिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 1/n² लेस देन 1/m², तो मॉड से बाहर क्या आएगा, मॉड से बाहर आएगा 1/m² माइनस 1/n² बाहर आएगा। ठीक है ना, मॉड से बाहर ये आएगा। अब ये क्या है, देखिए ये दिस इज लेस देन 1/m², दिस इज लेस देन 1/m², मतलब 1/m² में से ऊपर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से वो 1/m² से क्या होगा, कमी होगा। तो देखिए m का एक्सप्रेशन ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफोर मॉड ऑफ an माइनस am विल बी व्हाट, लेस देन एप्साइलन इफ एंड ओनली इफ, कब होगा एप्साइलन से छोटा, जब 1/m² क्या हो एप्साइलन से छोटा हो। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब यम स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/एप्साइलन होना चाहिए। इसका मतलब यम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन अंडर रूट वन, वन अपॉन अंडर रूट एप्साइलन। यम देखिए यहाँ पे एक नेचुरल नंबर हम लोगों ने खोज लिया कि इसके आगे आप कुछ कोई भी यन लेंगे, इसके आगे कोई भी यन लेंगे, मतलब देखिए डेफिनेशन हमारी क्या थी, ए एन माइनस ए एम हमें लेस देन एप्साइलन प्रूव करना कब, जब फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, मतलब इसके आगे यन के हम जो यम हमने फिक्स कर दिया वन अपॉन एप्साइलन। ठीक है ना, वन अपॉन एप्साइलन, अब वन अपॉन एप्साइलन के आगे कोई भी नेचुरल नंबर आप लेंगे तो ए एन माइनस ए एम हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्साइलन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो सिक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, कोसी सिक्वेंस हो जाएगा। अब देखिए ये सब जो, अब एक मैं थ्योरम आपको बता रहा हूँ, इस थ्योरम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या लगाएंगे, उस थ्योरम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए एक थ्योरम ये होता है हमारा, थ्योरम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि अ सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अ सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई इट इज अ कोसी सीक्वेंस, इट इज अ कोसी सीक्वेंस। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, कोसी सीक्वेंस होगा, और उल्टा भी ठीक है, मतलब अगर कोई सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमको किसी सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस दिखाना है तो अगर हम लोग क्या प्रूव कर दें कि वो कन्वर्जेंट है, तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि वो सीक्वेंस क्या है, कोसी भी है, क्योंकि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कोसी होगा, निश्चित रूप से कोसी होगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, या क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोसी सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, कोसी सीक्वेंस। ठीक है, कोसी सीक्वेंस, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, सपोज an is equal to n square। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है सपोज an is equal to हम ले लेते हैं -1 की पावर n। ठीक है, -1 की पावर n। तीसरा ऑप्शन ले ले रहा हूँ सपोज an is equal to 1/n, an is equal to 1/n। ठीक है, और चौथा ऑप्शन मैं ले रहा हूँ none of the above। ठीक है, none of the above, ये मैं चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि इसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो जाएगा, देखिए किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो बस करना क्या होता है, आपको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालना है, अगर ये क्या आ गया, फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। तो कन्वर्जेंट में चूंकि लिमिट का इस्तेमाल होता है, और लिमिट का इस्तेमाल कैंडिडेट आसानी से कर लेते हैं, स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं, इसलिए किसी भी सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस दिखाना है तो सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है या यही एक तरीका नहीं है, बट ये बहुत सारे टाइम पे आपका हेल्प करता है, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देता है। अब देखिए इसमें से मुझे पता लगाना कि कौन सा सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखिए मुझे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिया हुआ, मैं लिमिट निकाल लूंगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आया, ये फाइनाइट नहीं आया, विच इज नॉट फाइनाइट, और फाइनाइट नहीं है इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट नॉट कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब ये कोसी भी नहीं है। ठीक है, ये कोसी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे को निकालते हैं, तो दूसरा वाला जो सीक्वेंस है ये कितना आएगा, -1 + 1 - 1। ठीक है ना, +1, ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट तो होता ही नहीं है, है ना, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको डिटेल में करवाया था, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब नॉट कोसी।
नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट कोसी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड को देखते हैं, थर्ड हम आपको क्या दिया हुआ कि ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ 1/n। अब मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और 1/∞ कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब जो हमारा ए एन है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप साइलेंट वाले डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग चीजों को आसानी से कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर आपको यही प्रीफर करना है कि अगर आप लिमिट निकाल पा रहे हैं किसी सीक्वेंस का आसानी से, तो आपको वहां पे यही मेथड को लगाना है कि कोई भी सीक्वेंस अगर हम लोग कन्वर्जेंट प्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से वो कोसी हो जाएगा, या अगर कोसी प्रूव कर दे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया, 1/n, तो 1/n का खाली लिमिट लगा दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस कैसा कोसी है। ये सब आप साइलेंट वगैरह की डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया, -1 की पावर n, ठीक है ना, -1 की पावर n, तो इसको भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कन्वर्जेंट दिखा सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 1/n², यहाँ पे भी लिमिट लगा दीजिए, तुरंत आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया कि जब भी आपको किसी सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस प्रूव करना है तो आपको क्या करना है कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कोसी होगा, और कोसी है तो कन्वर्जेंट होगा, मतलब लिमिट लगा के, अगर लिमिट अगर आपके फाइनाइट आई तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से वो कोसी भी होगा, ठीक है। अब देखिए आप साइलेंट वाली जो डेफिनेशन है, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऐसा प्रूव करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस कोसी नहीं है, क्योंकि अभी आपने जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए है वो सभी में हमने ये प्रूव किया कि ये सब सीक्वेंस को क्या प्रूव करना था, कोसी सीक्वेंस प्रूव करना था, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हमको प्रूव करना है, जैसे क्वेश्चन है सो दैट द सीक्वेंस, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सो दैट द सीक्वेंस n² इज नॉट कोसी सीक्वेंस, ठीक है, इज नॉट कोसी सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए अगर इसको अगर शॉर्टकट मेथड से करना हो तो करना कुछ नहीं है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाला आपने, n² कितना गया, इन्फिनिटी मतलब नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट का मतलब नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट का मतलब नॉट कोसी, ठीक है ना, नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट कोसी सीक्वेंस, ठीक है, बस। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो देखिए बट हमें इसको डेफिनेशन से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैं क्या करूंगा कि देखिए मुझे क्या गिवन है कि एन इज इक्वल टू क्या गिवन हमको, n², ठीक है। मैं क्या करूंगा कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, जैसा हर बार हम लोग कर रहे थे, एंड एंड एन इज व्हाट ग्रेटर देन m, ये मैं लेके चल रहा हूं। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ an - am, मॉड ऑफ an - am लेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ an कितना हमारा n² है, -am हमारा कितना है m² है, ठीक है। अब चूंकि an ग्रेटर देन m है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो n² m² से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, n² - m² आएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग फैक्टर कर दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दें, फैक्टर कर दें, तो कितना हो जाएगा n - m, और कितना हो जाएगा यहाँ पे n+m आ जाएगा, ठीक है, n - m और n+m आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन हमको किस में लेके आना है, n, ये पूरा एक्सप्रेशन हमको m में लेके आना है, ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हम लोग कोसी सीक्वेंस जब लगाते थे इसको हमको किस में लेके आते थे, एम में लेके आते थे, ठीक है ना। तो देखिए n - m, ये पहले वाले जो फैक्टर इसकी बात करते थे, n - m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n - m की बात करें तो निश्चित रूप से क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेकेंड वाले फैक्टर में मैं अगर n की जगह पर m रख दूं, m+m मान लीजिए मैं रख देता हूं, ठीक है ना, 2m यहाँ पे मैंने बना दिया। अब बताइए नीचे वाला टर्म बड़ा है या ऊपर वाला बड़ा है, चूंकि n n जहां पे हो, n ग्रेटर देन m है, तो ऊपर वाला टर्म क्या था, बड़ा था, मतलब नीचे वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ an - am ग्रेटर देन कितना हो गया, 2m हो गया, ठीक है ना, ग्रेटर देन कितना हो गया, 2m हो गया, मॉड ऑफ an - am हमारा कितना हो गया, ग्रेटर देन कितना हो गया, 2m हो गया। अच्छा m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, यम हमारा जैसे हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, इसके बीच में कहीं क्या आया होगा, यम आया होगा, तो निश्चित रूप से यम हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, निश्चित रूप से यम हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो पूरी चीज है 2m लिखा हुआ है ना, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब देखिए an - am आ गया हमारा 1 से बड़ा, तो अगर मैं अगर मैं एप्सिलॉन, आपको इफ यू टेक एप्सिलॉन, अगर मैं एप्सिलॉन कितना ले लूं, 1/2 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन कितना ले लूं, 1/2,
ठीक है। तो आप साइलेंट, देखिए डेफिनेशन क्वेश्चन वाली ये कहती है कि कोई भी आप साइलेंट अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ए एन माइनस ए एम हमेशा क्या होना चाहिए, आप साइलेंट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप साइलेंट मैं 1/2 अगर मुझे कोई दे देगा तो मैं ए एन माइनस ए एम को लेस देन 1/2 नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये तो हमेशा क्या आ रहा है, ए एन माइनस ए एम ग्रेटर देन 1 हमेशा आ रहा है। और अगर मुझे कोई कह दे कि नहीं 1/ आप साइलेंट मैं आपको 1/2 दे रहा हूं, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ए एन माइनस ए एम लेस देन 1/2, बट मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ए एन माइनस ए एम हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। इसलिए ये जो सिक्वेंस होगा हमारा, ये कोसी सिक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ये ले रहे हैं कि सो दैट द सीक्वेंस, ठीक है, सो दैट द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है हमारे पास, सपोज ए एन इज इक्वल टू, जिसका है ना, सो दैट द सीक्वेंस मान लीजिए कि इस तरीके से ए एन, वेयर वेयर ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू 1+1/2+1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इज नॉट कोसी सीक्वेंस। ठीक है, इज नॉट कोसी सीक्वेंस, इज नॉट कोसी सीक्वेंस, ये हमको लेना है। ठीक है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं क्या करता हूं कि लेट लेट आप साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है, लेट आप साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड एन इज ग्रेटर देन एम हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ए एन कितना होगा, ए एम कितना होगा, ठीक है, मैं ए एन पहले लिखता हूँ, तो एन बड़ा है एम से, इसका मतलब 1+1/2+1/3+ डॉट 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 डॉट, कहीं बीच में क्या आएगा, 1/m आएगा, फिर उसके आगे कितना आएगा, 1/m+1 आएगा, फिर डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, 1/n आएगा। तो ये मेरा ए एन हो गया। ठीक है, और ए एम मतलब मेरा कितना होगा, ए एम होगा 1+1/2+1/3+ डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम अगर निकालूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ए एन माइनस ए एम करेंगे अगर, तो एम तक देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे मॉड में कितना आ जाएगा, 1+1/2+1/3+ डॉट 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 प्लस 1/m+1/m+1+1/m+2 डॉट डॉट 1/n, ये तो हमारा क्या था, ए एन था, और इसमें से क्या माइनस करना है, 1+1/2+1/3+ डॉट 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 प्लस 1/m को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, देखिए प्लस 1 -1 से कट जाएगा, 1/2 1/3 ये सब कट जाएगा, 1/m तक की चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, वन मॉड में बचेगा 1/m+1+1/m+2, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1/n तक। अब मॉड के भीतर जो भी नंबर लिखे हैं वो सभी नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए मॉड से बाहर, मॉड को हम लोग हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मॉड के भीतर अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज वो बाहर आ जाता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/m+1+1/m+2+ डॉट 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 डॉट, हमारे पास कितना आ जाएगा, +1/n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोसी सीक्वेंस में हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा देखिए ट्रिक लगाना है यहाँ पे। देखिए हम लोग कहते हैं कि ए एन किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, ए एन माइनस ए एम हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। ठीक है ना, अब देखिए हम कोई भी दो, यहाँ पे ए एन माइनस ए एम का मतलब किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, अगर मैं एन इज इक्वल टू 2m ले लूं, तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए 2m-am ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, मतलब ठीक है, मतलब इस तरीके से हम किसी भी दो टर्म का यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं एन इज इक्वल टू 2m देखिए इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको देखिए सिर्फ एक्सप्रेशन को किस में बनाना है, एम में बनाना है, लेकिन अभी तक मेरे पास क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन को हटाने के लिए यहाँ पे मैं अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मॉड ऑफ ए एम माइनस मॉड ऑफ एन के जगह में मैं कितना रख देता हूँ, 2m रख देता हूँ। ठीक है ना, मतलब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मॉड ऑफ ए 2m-am निकालने जा रहा हूँ, मॉड ऑफ, एक मिनट जरा सा इसको रफ कर ले हम लोग, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, मॉड ऑफ ए 2m-am हम लोग निकालने जा रहे हैं, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है कितना आएगा जरा देखते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होगा, जहां पे n n था वहां पे मैंने कितना रख दिया, 2m रख दिया, इस एक्सप्रेशन में क्या आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि मॉड ऑफ ए 2m-am कितना आएगा, तो करना कुछ नहीं है, जहां पे m था वहां पे कितना आ जाएगा, 1/m+1+1/m+2, लास्ट लास्ट में कितना आ जाएगा, 1/2m आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/m+1+1/m+2+ डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा, 1/2m आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
ठीक है, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, देखिए इसमें सबसे सबसे नीचे डिनोमिनेटर में देखा था एम प्लस वन एम प्लस टू, ये बढ़ता जा रहा है, तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो जो टर्म है फ्रैक्शन वाला टर्म, ये टर्म सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं अगर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, वन बाई एम प्लस वन को हटा के मैं लिख देता हूँ वन बाई टू एम, वन बाई एम प्लस टू को भी हटा के लिख देता हूँ वन बाई टू एम, और सब जगह मैं क्या लिख देता हूँ वन बाई टू एम, वन बाई टू एम लिख देता हूँ। देखिए इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ वन बाई टू एम सभी जगह लिख दिया, तो ये जो सेकंड वाला टर्म, ये जो स्टेप है, ये ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो, ऊपर वाले जो ये स्टेप है, ऊपर वाला जो ये एक्सप्रेशन है वो बड़ा है नीचे वाले एक्सप्रेशन से। क्यों ऐसा आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नीचे देखे टू एम डिनोमिनेटर में देखिए एम प्लस वन है, उससे बड़ा कौन है, एम प्लस टू, उससे बड़ा कौन होगा, एम प्लस थ्री, सबसे बड़ा कौन है, टू एम है। जब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा तो जो फ्रैक्शन वाला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, तो जब यहाँ पे छोटे छोटे नंबर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले से क्या है, कम है, तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ ग्रेटर देन दिस। ठीक, अब देखिए ये कितने नंबर्स हैं टोटल, ये टोटल एम नंबर्स हैं, अभी आपने लिखा था ना ए टू एम माइनस ए एम, मतलब कितने नंबर्स, एम नंबर्स है, मतलब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू एम बाई टू एम। ठीक है, तो एम एम कट जाएगा, तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि ए टू एम माइनस ए एम कितना आ गया, ग्रेटर देन वन बाई टू आ गया। ठीक, अब देखिए डेफिनेशन ये कह रही थी कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आपको दे दिया जाए, मैं अगर एप्सिलॉन आपको दे देता हूँ, इफ वी अगर मैं आपको एप्सिलॉन दे दूं, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई टू, अगर मैं आपको एप्सिलॉन कितना दे दूं, वन बाई टू दे दूं, तो इसका मतलब आपको ये प्रूव करना था, आपको ये प्रूव करना कि एन माइनस ए एम लेस देन वन बाई टू होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि एन माइनस ए एम ये तो हमेशा क्या है, वन बाई टू से बड़ा है, तो कभी भी हम इसको वन बाई टू से छोटा नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए जो हमारा ये सिक्वेंस है ये कोसी सिक्वेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाई टू, ये जो हमारा ए एन माइनस ए एम आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, जबकि मुझे क्या प्रूव करना था, लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीक्वेंस ए एन इज नॉट कोसी सीक्वेंस, दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज नॉट कोसी सीक्वेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को ये भी समाप्त कर रहा हूँ, होप्स आपको कोसी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।